गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आप लोगों को अपने वीडियो के जरिए से, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि आईएससी एग्जाम नजदीक है, सीबीएसई एग्जाम नजदीक है, हायर सेकेंडरी एग्जाम नजदीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे जो स्टेट बोर्ड है हमारे इंडिया में, बहुत सारे स्टेट बोर्ड की एग्जाम हो चुकी है और बहुत सारी स्टेट बोर्ड की एग्जाम अभी भी बाकी है। तो जितने भी स्टेट बोर्ड एग्जाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि अब हम कलकत्ता से तुम लोगों को क्लास दे रहे हैं, तो हम एचएस बोर्ड पे टिक कर रहे हैं, बट ये बेनिफिशियल इंडिया के हर एक बोर्ड वालों के लिए होगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो कि आपको आगे जब आप डिग्री कोर्सेज करोगे तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो अभी हम सबसे पहला क्लास में, क्योंकि एग्जाम करीब है, हम तुमको थोड़ा सा टचअप देना चाहेंगे कि एक्चुअली इसमें करना क्या पड़ता है, ताकि जो बच्चे अभी तक जो नहीं सीखे हैं वो भी इस चीज को समझ के कुछ तो एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, यूजुअली आपका सवाल एक लाइबिलिटीज और एसेट यानी कि एक बैलेंस शीट के फॉर्म में होगी और कुछ एडजस्टमेंट होगी कोई भी बोर्ड के लिए। बच्चे जो अप्रोच करने जाते हैं तो उन लोगों का मिस्टेक कहाँ पे होता है गाइस? उन लोगों का मिस्टेक अक्सर एडजस्टमेंट में होता है। तो एडजस्टमेंट वाली चीजें भी मैं आप लोगों को अपने फोन के जरिए, अपने वीडियो के जरिए से आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आज हम आप लोगों को सबसे पहले बेसिक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ताकि आप लोग, क्योंकि आप लोग पढ़े भी पहले से हो, अब दोबारा से आप लोगों को सारा चीज जहन पे आ जाएगा। तो अगर आप जब कभी भी एडमिशन बनाओगे तो आपको सबसे पहले खोलना पड़ता है एक लेजर जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा लेजर आपको खोलना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, मान लीजिए तीन पार्टनर है जी, मैंने बस एक वर्बली आप लोगों को नॉर्मल एक व्यू देने के लिए समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स ए बी, मान लीजिए तीन पार्टनर सी है तो मैंने ए बी सी तीनों लिख लिया, और आखिरी में आपको बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड एंडेड, जिसमें एक साइड आपको दिखेगी लाइबिलिटीज और एक साइड आपको क्या दिखेगा एसेट्स। देखिए मैंने ये सब कुछ रेडी कर लिया, यहां पर डेबिट और ये क्रेडिट देने आप नहीं भूलिएगा, ये डेबिट और ये क्रेडिट देने आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या होता है, ये अभी पहले हम आप लोगों को समझाएं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है। सपोज कीजिए कि एक बिजनेस है ए बी, ए एंड बी ये दोनों मिल करके कारोबार कर रहे हैं, और बाद में एक नया पार्टनर की एंट्री होती है सी। ये सबसे पहला मोटिव आपको एडमिशन को समझने का। ठीक है, तो जो सी की एंट्री होती है ये अपने साथ दो चीजें लेके आता है। क्या दो चीजें गाइस? दो पैसा, एक कैश इन द फॉर्म ऑफ कैश जिसको बोलते हैं कैपिटल, और दूसरा भी इन द फॉर्म ऑफ कैश जिसे कहेंगे गुडविल। ठीक है, ओके सर, कैश कैपिटल एंड गुडविल, ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करता है एट द टाइम ऑफ स्कोरिंग योर मार्क्स, बट वो पार्ट को हम बताएंगे, वो पार्ट को हम डेफिनेटली, लेकिन आज पहला वीडियो में आपको सिर्फ सिंपल चीजें समझा करके आप लोगों को, तब फिर आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो से। तो आप लोग सिंपल चीजें पहले समझ लीजिए कि अगर एडमिशन होगा तो एक साल बीतेगा तो सब कुछ तो एक जैसा रहता नहीं है, एसेट्स खरीदी भी जाएगी और एसेट्स बेची भी जाए, घटी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी भी जाएगी, खरीद भी सकते हैं बेच भी सकते हैं, लाइबिलिटीज भी बढ़ सकता है लाइबिलिटीज भी घट सकता है। तो एक लॉजिक हम आप लोगों को बता रहे कि जब कभी भी कोई भी एसेट्स अगर आपका बढ़ जाए तो आप उसको कहां लिखिएगा? क्रेडिट में। करेक्ट, मान लीजिए आपका लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 से 20,000 हो गया, तो आपका 10,000 रुपया बढ़ा, आपने यहां लिख लिया 10,000। करेक्ट, तो आपका डेफिनेटली बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो जाएगा, जो भी था वो 10,000 से 20,000 हो गया। That means, बढ़ने की वजह से इसका वैल्यू कितना हो गया गाइस? 20,000 हो गया, हमने बढ़ा करके लिख लिया, और जो एक्स्ट्रा 10,000 बढ़ा मैंने यहां दे दिया, 10-10 मैंने कह दिया, 5,000 बोलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा यहां पर ये बढ़ करके?
15,000 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास 10,000 था, तुमने 5,000 का और खरीदा तो आपने यहाँ पर बढ़ा दिया और फाइनल बैलेंस शीट में आपने 15,000 लिख दिया। वेरी सिंपल। और इसी तरह से अगर एसेट्स घट जाए तो क्या करेंगे? एसेट्स अगर घट जाए तो क्या करेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे उसी एसेट्स का नाम, लिख करके लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स्चर, एनीथिंग एनीथिंग कुछ भी जो भी बढ़े। तो उसमें 2000 मान लीजिए घट गया, 2000 आप लिख लिए, तो इस तरीके से आपका 2000 यहाँ घटा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी 10,000 था, 2000 घट करके फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8,000 रुपये हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये समझा कि एसेट बढ़ने से इस तरफ, एसेट घटने से इस तरफ, लाइबिलिटीज बढ़ने से इस तरफ लिखेंगे और लाइबिलिटीज घटने से इस तरफ। जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिख देते, एसेट बढ़ेगा तो इस साइड लिखना है और एसेट घटेगा तो इस साइड लिखना है, करेक्ट फिगर को। और अगर लाइबिलिटीज बढ़ा तो इस साइड लिखना है और लाइबिलिटीज घटा तो इस साइड लिखना है। तो देखिए इस तरीके से आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लियर कर लिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो रहा है कि जब कभी भी एसेट बढ़ेगा इस साइड लिखेंगे, घटेगा इस साइड लिखेंगे, लाइबिलिटीज बढ़ेगा इस साइड लिखेंगे, लाइबिलिटीज घटेगा इस साइड लिखेंगे, और फाइनली बैलेंस शीट में जोड़ और घटाओ हम लोग कर सकते हैं। एम आई राइट? यस सर, पक्का। अब जो भी अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा होता है और डेबिट साइड कम होता है तो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट, करेक्ट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा होता है, क्रेडिट साइड कम कराएगा तो क्या होगा? लॉस, यू कैन से लॉस। ओके, एंड देन मूव टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये पैसा यहाँ कहाँ पे आके बैठ जाएगा? इस साइड बैठ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस एसेट बढ़े घटे आपको यही आइडेंटिफाई करना है, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा। आपका एग्जाम में ये 3 मार्क का आता है, ये 4 मार्क का आता है और ये 3 मार्क का आता है, मिला के 10 मार्क हो जाता है। अगर आप एक चीज को स्कोर कर लोगे प्रॉपर तो आप 3 मार्क कमा लोगे। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें ऐसा क्या क्या चीजें हो सकती है वो आप लोगों को वीडियो में बताते चले जाएंगे कि क्या चीज कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है जिससे मेरा रिवैल्यूएशन गलत हो जाए। क्योंकि अगर रिवैल्यूएशन सही होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सही होगा, और अगर पार्टनर्स कैपिटल सही होगा तो सही कैपिटल मिलेगा, तभी आपको प्रॉपर बैलेंस शीट आएगा। तो आज हम इनिशियल लेवल से सिर्फ इसलिए शुरू किया है कि हम एक एक चीज को तुम लोगों को क्लियर कर पाए। तो हम आज बात किए थे सिर्फ रिवैल्यूएशन का, ठीक है? तो अभी रिवैल्यूएशन का अभी हमने अंदाज बताया किस तरीके से इसको किया जाए। अब हम अगले क्लास में हम आप लोगों को क्या क्या, अगले वीडियो में इनफैक्ट क्या क्या चीज जो हम लोगों को यार डिस्टर्ब कर सकता है वो अभी हम तुम लोगों को बताएंगे, ताकि आपको गलती से भी गलती ना हो रिवैल्यूएशन में। आप सोचो आपका एग्जाम बहुत नजदीक है पर आप लोग सभी ऑलमोस्ट नॉलेज रखते हो, ये जस्ट वीडियो आप लोगों को टचअप करने के लिए दिया जा रहा है। तो अगर आप जब इसके बारे में अच्छे से प्रॉपर नॉलेज गेन कर लोगे तो यहां तो गलती होगी नहीं, और जब यहां गलती होगी नहीं तो डेफिनेटली यहां भी नहीं होगी, और जब यहां नहीं होगी तो अल्टीमेटली ये बैलेंस शीट आपको प्रॉपर आएगा। अक्सर स्टूडेंट से होता है क्या, ये दोनों में कोई जगह गलती कर देने की वजह से, चाहे वो इस जगह पे हो चाहे इस जगह पे। आप सोचो अगर आपको चाहिए 5,000 रुपया प्रॉफिट और आप 4,500 निकाल लेते हो तो आप डेफिनेटली पुट तो 4,500 करोगे, और अगर 4,500 करोगे तो आपका कैपिटल गलत आएगा, कैपिटल गलत आएगा तो बैलेंस शीट अल्टीमेटली गलत हो जाएगा। ओके, सो द फाइनली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए हम लोगों को आपको जस्ट ये बताया, अब हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे कि रिवॉल्यूशन आपको कहां पर डिस्टर्ब कर सकता है। नॉर्मल एंट्री में आपको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, और किस एंट्री से आपको डिस्टर्बेंस होगा दैट यू विल कम टू नो। ओके एवरीवन, ठीक है? अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट।